दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप कुमार और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं क्लास की मैथ प्रश्नावली 13.2 CBSE बोर्ड से, प्रश्न 8वां, जिसमें पूछा गया है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आधार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया है कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर घन है, और जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह बनाते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन के हैं और पाई की जगह आपको क्या लिखना है, 3.14, ठीक है। वैसे पाई की जगह तो 22/7 लिखते हैं, वो तब लिखते हैं जब ये, अगर इन्होंने 3.4 का मान नहीं दिया होता तब, तो हम पाई की जगह 22/7 लिख देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे पाई की जगह 22/7 हम नहीं लिखेंगे। तो देखो इसमें क्या करना है, वैसे इन्होंने आंसर निकाल दिया है, ये बोले कि जिस बर्तन की बात कर रहे हैं उसका आयतन इन्होंने 345 सेंटीमीटर घन इन्होंने निकाल दिया है, लेकिन ये बताना है कि ये जिस व्यक्ति ने भी निकाला है तो आपको जांच करना है कि ये आंसर सही है या गलत है, ठीक है। जिस बच्चे ने ये आंसर निकाल रखा है तो हम अपना आंसर निकाल लेते हैं, तो पता चल जाएगा कि इस बच्चे ने सही निकाला है या गलत है। तो इसने क्या बोला है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि हमें सिर्फ उतना ही लिखना है और उतना ही बनाना जितना ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आधार की गर्दन है, तो यानी कि इसका पहले हम बेलन तरीके से बनाएंगे, ये हमारा बनेगा गर्दन, जो बेलन का आकार का होगा, ठीक। उसके बाद जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो मैंने 8 सेंटीमीटर लंबाई दे दी, और इसका जो ब्याज है, ठीक है, जो ब्याज है इसका यहाँ से यहाँ तक कितना, ये 2 सेंटीमीटर है, ठीक। उसके बाद गोलाकार कांच के बर्तन की एक नली, तो गोलाकार कांच का बर्तन बनाना है, तो इसको हमें गोल भी बनाना है इसे, ठीक है, गोलाकार गोलाकार पूछा तो इसको गोला गोला बनाएंगे इस तरीके से। तो गोलाकार कांच के बर्तन की नली बेलन के आकार का है जिसका व्यास 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, और गोलाकार भाग का व्यास, इस गोलाकार भाग का व्यास जो है, इसका व्यास 8.5 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो इन्होंने प्रश्न में पूछा था वही हमने इसमें लिखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या क्या चीज़ें दिया है पहले उसको लिख लेते हैं सही तरीके से। तो अब देखेंगे इसमें, इसमें दे रखा है बेल, ठीक है, बेले ना कार भाग का व्यास 2 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग का व्यास 2 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2/2, यानी कि एक एक आएगा, इसकी त्रिज्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर जो कि ब्याज का आधा होता है। उसके बाद ये गोलाकार जो है, ठीक है, गोलाकार भाग, ठीक है, तो गोलाकार जो इसकी बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद गोलाकार भाग का व्यास कितना है, 8.5 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 8.5 का आधा कर देंगे इस तरीके से, डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसका आधा कर देंगे 8.5 का आधा, इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो हम इसको जैसा है वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है किसका,
इसमें जो पानी भरा जा रहा है उस ठीक है उस भाग का आयतन निकालना है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का माप, ठीक है, तो हम इसमें लिख लेते हैं। इसमें ठीक है भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, तो इसमें आप देखेंगे कि दो दो फॉर्मूले लगेगा, ठीक है। एक लगेगा इसमें अर्धगोले का, यानी कि मतलब गोला, अर्धगोला नहीं पूरा गोला है, तो गोले का आयतन, तो यहाँ आप लिखेंगे गोले का आयतन, ठीक। तो इसी गोले के आयतन में हमें क्या प्लस करना है, गोले का आयतन, ठीक है, ये गोले का आयतन, फिर उसके बाद बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन ये वाला पार्ट जो है दिखा देते हैं, इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से। तो अब हमें क्या करना है इसमें, बेलन का आयतन, ठीक है, बेलन का आयतन, ठीक। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगा लेते हैं। बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, पाई 4/3 पाई आर घन। देखिए इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, हमारे पास दो त्रिज्या है, इसमें एक छोटा एक बड़ा त्रिज्या है, ठीक है, छोटी वाली और ये बड़ी वाली है। तो बड़े वाले त्रिज्या को हम बड़ा आर इसमें लिख देते हैं, छोटे वाले त्रिज्या को हम छोटा आर इसे लिख देते हैं, ठीक है। त्रिज्या को हम आर भी लिख सकते हैं, यानी कि रेडियस, प्लस का निशान। बेलन का आयतन हमें प्लस करना है इसी में ही, तो क्या आएगा, ये पाई आर स्क्वायर एच, तो 4/3 पाई की जगह हम कितना लिखेंगे, देखिए अब यहाँ प्रश्न में पूछा गया है 3.14 सेंटीमीटर, यानी कि हम 22/7 नहीं लिखेंगे, ठीक है। वैसे भी अगर आप 22/7 को लिख सकते हैं, अगर तो आप इसको डिवाइड करोगे तो आंसर यही आ जाता है इसका, 3.14 सेंटीमीटर आता है। तो ये लिखिए क्योंकि यही पूछा गया इसमें, नहीं तो आप ये लिखिए, बात वही पड़ जाएगी। थोड़ा सा बस एक नंबर का आंसर आगे पीछे हो सकता है, गलत हो सकता है, अगर ये आप लेके चलते वैल्यू जो प्रश्न में दिया गया, तो हमारा जो आंसर है बिल्कुल सटीक बैठेगा, सही आएगा। तो पाई की जगह कितना लिखेंगे, 3.14, उसके बाद त्रिज्या इसकी कितनी है, आप देखेंगे इसमें 8.5/2, जिसको आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 बार आई है, क्योंकि यहाँ पे घन लगा हुआ है, क्यूब है, इस वजह से हम त्रिज्या को 3 बार लिखेंगे। फिर उसके बाद प्लस में क्या आएगा, ये वाला बेलन का आयतन, यानी कि 3.14 सेंटीमीटर गुना त्रिज्या 1 है, आप देखेंगे बेलन की त्रिज्या 1 दे रखा है, तो 1 लिखेंगे 2 बार क्योंकि स्क्वायर है, और एच हो गया 8 सेंटीमीटर, क्योंकि बेलन की ऊंचाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। जब आप इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक है, तो जब आप इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 12.12/56 सेंटीमीटर, नीचे 3 का 3 लिखेंगे। आप इन सभी को जब गुना करेंगे, ठीक है, तो गुना करने पे कितना आ जाएगा, तो मैंने लिख दिया ऐसे, गुना कर रखा था मैंने, ठीक है, क्योंकि इसमें समय बहुत लगेगा इसलिए मैंने पहले इसको गुना कर रखे लिखा हुआ है। तो इसमें क्या लिखेंगे, 2 × 4 दोनों के 9 जगह 8, ठीक है, नीचे हो जाएगा 8। आप इधर देखेंगे जब इन दोनों को गुना करेंगे, अगर 13.13 3.14, अगर 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से फिर 1 से, तो इतना ही सेम आ जाएगा, ठीक है। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करके आप कितना लिखेंगे, 25.12, ठीक। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इन दोनों को गुना करेंगे, ठीक, यानी कि 12.56 × 614.125, तो गुना करने में कितना आ जाएगा, ये 7713.41, नीचे 8 × 3 = 24 हो जाएगा, ठीक है, 8 × 3 = 24 बन जाएगा, ये नीचे हो जाएगा 25.12, ठीक है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक, तो आपको डिवाइड करने में कितना प्राप्त होगा, ठीक है, आप डिवाइड कर लीजिएगा,
क्योंकि मैंने इसको कर रखा है पहले से ही। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। तो सो इसको डिवाइड कर सकते हैं आप। तो जब डिवाइड करोगे आप इसे तो कितना आ जाएगा, 3 2 1, 321.39, 39 प्लस में 25, ये 25.12 सेंटीमीटर, ये लिखना हमें। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, प्लस करना है। ये 321.39 प्लस में 25.12, ठीक। तो यहाँ पे कर देते हैं, 9 2 11, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, पॉइंट का पॉइंट, दशमलव का दशमलव लिखेंगे। 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6, 2 2 हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 3। यानी कि आप देखेंगे तो हमारा आंसर जो प्राप्त हुआ है वो है 346.51 सेंटीमीटर घन। तो ये हमारा जो आखिरी आंसर है वो आ चुका है, 346.51 सेंटीमीटर। लेकिन बच्चे का जो आयतन कितना दिया था, जो बच्चे ने निकाला था, 345 सेंटीमीटर घन। तो इसका मतलब, इसका उत्तर, बच्चे का उत्तर क्या है, बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यानी कि सही नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, बच्चे का, ठीक है, उत्तर बच्चे का उत्तर सही नहीं है। ठीक, ओके दोस्तों, नमस्ते।